तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दो बड़े फिल्मों के तीन दिन के टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ऐसे ही इंडियन फिल्म के कलेक्शंस के बारे में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कांतारा फिल्म के बारे में। इस फिल्म में हमें ऋषभ शेट्टी लीड रोल में दिखाई दिए है। इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी जी द्वारा ही डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म का बजट 16 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज हुई थी। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग मिली। कलेक्शंस के बारे में बात करें तो कांतारा फिल्म ने अपने पहले दिन 1.27 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 2.75 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों का टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 4.02 करोड़ होता है। तीसरे दिन यानी आज यह फिल्म 4 करोड़ के आसपास कमाई कर रही है। इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 106 करोड़ होता है। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। अब बात करेंगे डॉक्टर जी फिल्म के बारे में। इस फिल्म में हमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में दिखाई दिए है। इस फिल्म को अनुभूति कश्यप जी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग मिली। कलेक्शंस के बारे में बात करें तो डॉक्टर जी फिल्म ने अपने पहले दिन 3.87 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 5.22 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों का टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 9.09 करोड़ होता है। तीसरे दिन यानी आज यह फिल्म 6.5 करोड़ के आसपास कमाई कर रही है। अगर इस फिल्म को हिट होना है तो इस फिल्म को 45 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करना होगा बॉक्स ऑफिस पर। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी फिल्म सुपरहिट होने में सफल होगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हिंदी मराठी और साउथ फिल्म्स के बारे में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।